सुखी, ऐसी कठिन घड़ी में ही इंसान के धैर्य की परीक्षा होती है। फिर तेरी ममता का एहसास ही काफी है ईशान के लिए। डॉक्टर श्रीकांत, डॉक्टर पोद्दार का रिपोर्ट का मुताबिक मिस्टर वीरेंद्र डोनर नहीं हो सकते। क्यों? बिकॉज ही इज हार्ट पेशेंट। अपने बेटे के लिए मेरा हार्ट बड़ा मजबूत है, और इसके बाद भी अगर आपको कोई शक है तो मैं लिख के देने को तैयार हूं कि आप मेरी जिद पे मेरा लीवर ले रहे हैं। राइट सुरेंद्र, मैं तुम्हारे जज्बातों को समझता हूं, लेकिन मैं मजबूर हूं। एक जान को बचाने के लिए मैं दूसरी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। समझने की कोशिश करो। रणवीर की रिपोर्ट आ जाने दो, उसके बाद देखते हैं हमें क्या करना। इंदर, तब तक धीरज रखो। धीरज रखिए? अरे कैसे धीरज रखूं? अरे जब एक बेटे की जान पर बनी हो तो एक मां बाप कैसे धीरज रख सकता है? लेकिन आप लोग तो कह देते हैं ना, धीरज रखिए बस। मम्मी जी, क्या बात है? आप यहाँ अकेली गुमसुम बैठी हैं? ईशान जी के बारे में सोच रही हैं? हाँ पुत्र, तो दिन रात उसके बारे ही सोचती रहती हूं। पता नहीं कैसा होगा उसका ऑपरेशन, कब होगा, मेरा बच्चा कब ठीक होगा, और तब तक बार बार आने वाली तकलीफों का सामना वो कैसे करेगा। मम्मी जी, ईशान जी बहुत बहादुर है, और वो हर तकलीफ का सामना उसी हिम्मत से कर रहे हैं। आप देखना, बहुत जल्द ठीक अपने घर वापस आ जाए। अपने घर ही तो बुलाना चाहती थी उसे, अपनी नजरों के सामने रखना चाहती थी। तभी तो बार बार मैं उससे जिद करती थी, बहुत होगी विदेश की पढ़ाई, अब अपने घर वापस आ जा। पर क्या मिला मेरे बच्चे को अपने देश वापस आके? उसे अपने घर से ही दूर रहना पड़ा, और उसके बाद एक एक करके मुसीबतों का सामना करता रहा मेरा बच्चा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। यहां तक कि अपने पाउची के खिलाफ भी वो लड़ा, पर अब कुदरत ने उसे ऐसी लड़ाई में झोंक दिया जहां उसके अपने पास में कुछ भी नहीं है। पर उसे लड़ना ही होता तो मुझे यकीन था कि मेरा बच्चा जरूर जीत कर आता। पर इस नामुराद बीमारी से वो कैसे लड़ेगा, यही चिंता तो मुझे खाई जाती है पुत्र।
इस बार ये लड़ाई यहाँ के बड़े बड़े डॉक्टरों के हाथ में है, जिन्होंने न जाने कितने मरीजों को एक नई जिंदगी दी। आप हिम्मत मत हारिए मम्मी जी, माता रानी सब ठीक करेगी। माता रानी का न्याय ही तो समझ में नहीं आता पुत्र। एक माँ होकर एक माँ का दर्द नहीं जानती? वो मेरे लाल के साथ साथ मेरे सब्र का भी तो इम्तिहान ले रही है। मम्मी जी, मैं इतनी बड़ी तो नहीं हुई कि आप लोगों को नसीहत दे सकूं, पर मैंने आप लोगों के मुंह से ही सुना कि माता रानी जो भी करती है उसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ी वजह छुपी होती है या कोई परीक्षा होती है। हमें उस वक्त तो पता नहीं चलता कि उसके पीछे क्या अच्छाई छिपी है, उसका पता तो हमें बाद में ही चलता है। इसीलिए कह रहे मम्मी जी, मुझे लगता है कि इसके पीछे भी माता रानी की ही कोई इच्छा है। इसलिए आप हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। उसी पर तो भरोसा है पुत्र, वरना मैं अपने औलाद की तकलीफ एक पल भी नहीं देख सकती। तो बस अब आप अपने दिमाग पर कोई बोझ नहीं लेंगे, माता रानी पे भरोसा रखिए, देखिए सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ वीरू? बैठ। एक जान को बचाने के लिए मैं दूसरी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। इंसान को अपने की ही सजा मिली जाती है। देख लो, मैं अपने बेटे को अपना लीवर तक नहीं दे पा रहा हूं। तो तुम समझ गए कि मैंने अपने बेटे के साथ नाइंसाफी की है। तूने आज तक कभी किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं की, तो फिर ईशान के साथ कैसे कर सकते हो? देख, अगर तू उसे अपना लीवर नहीं दे पा रहा है तो इसमें क्या हुआ? नहीं बलदेव, ये मेरे कर्मों की सजा है जो मुझे भुगतनी है। मैंने जो ईशान के साथ किया वो तो शायद वो भूल गया, लेकिन कुदरत को ये मंजूर नहीं। ओए वीरू, क्यों अपना दिल छोटा करता है और क्यों अपने आप को कसूरवार मान रहा है? डॉक्टर ने इसलिए कहा होगा कि शायद ऐसा करने से तुम्हारी जान को खतरा होगा, इसलिए उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया होगा। ऐसी जान पाकर क्या फायदा बलदेव, जो अपने बेटे के काम ना आ सके। ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी। वीरू, दिल छोटा मत कर। अभी रणबीर और अक्कू का रिपोर्ट आना बाकी है, और देखना वाहेगुरु ने चाहा ना तो किसी ना किसी का मैच जरूर हो जाएगा, और हमारा ईशान बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। वो ठीक है बलदेव, लेकिन मैंने क्या किया? सवाल ही है, एक बाप की लाचारी थी, अपने बेटे की जान बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया।
कुदरत का ये इंसाफ सही? वीरू, अपने आप को कोसना बंद कर। ओए, लीवर क्या? तू तो ईशान के लिए अपने शरीर का एक एक अंग दे सकता है, ये मैं भी जानता हूं और ईशान भी जानता है। ओए, तुझे दुनिया से क्या लेना देना है? लेकिन मैं ईशान को जाके क्या कहूं? क्या कहूं कि बेटा मैं तुझे अपना लीवर भी नहीं दे सकता, तेरी जान नहीं बचा सकता। जो बेटा अपने बाप को अपनी हिम्मत और ताकत समझता है, उसके सामने जाकर अपनी लाचारी का डंका बजाऊं? वीरू, ईशान बहुत समझदार बच्चा है और वो जानता है कि उसकी बहूजी की कोई ना कोई मजबूरी जरूर रही होगी, वरना उसके बहूजी उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ बलदेव, तू जाके ईशान को समझाना, उसे कहना कि तेरे बहूजी तेरे लिए जान भी दे सकते हैं। यार, मैं ईशान के सामने लाचार नहीं होना चाहता। बलदेव, तू डॉक्टर से बात करना यार। उन्हें क्या मेरी जान की परवाह ना करे, मेरा लीवर ले लें, मेरे बच्चे को बचा ले, बात करना यार। वीरू, डॉक्टर श्रीकांत को तू अच्छी तरह जानता है, वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, पूरी ताकत लगा देंगे और सब ठीक हो जाएगा। और रणवीर और अक्कू है ना, वो एक मिनट भी नहीं सोचेंगे ये सब करने के लिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बलदेव, वो मेरी औलाद है, मेरा गुरु है, वो एक दूसरे के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। और बस फिर क्या है, उस वाहेगुरु का शुक्रिया अदा कर और उस पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। जी आप आइए, अब आपको भी कुछ सुनाना है तो सुना दीजिए। क्या क्या कह रही है तू? यही कि अब हम सबकी नजर में तो गुनहगार हो ही गए, आपकी नजर में भी तो है ना, तो सुना दीजिए, आपको जो सुनाना है आप सुना दीजिए। सिमरन, मैं तो सिर्फ तुझे ये पूछने आई थी यहाँ कि हॉस्पिटल में किसी से तेरी बात हुई या नहीं, क्योंकि वीर जी तो मेरा फोन नहीं उठा रहे, शायद तेरी बात बलदेव वीर जी से हुई हो। मैं तो ईशान के बारे में पूछने आई थी यहाँ। जी बुआ जी, बात हुई थी, सब ठीक है। और तू ये क्या कह रही है, कौन किस पे क्या इल्जाम लगा रहा है? अब नहीं नहीं बुआ जी, कुछ नहीं। अब तू मुझे साफ साफ बता, बात क्या है, तू कुछ छुपा रही है? हाँ बुआ जी, अब मैं आपसे भी कुछ छुपा रही हूँ। वैसे भी पूरी फैमिली से हम लोग ये बात छुपाकर गुनहगार तो बने गए। तो हम कुछ छुपाए या ना छुपाए, इससे क्या फर्क पड़ता है? बाप बेटी गुनेगार इस घर के, तू क्या कह रही है, तू साफ साफ बता। वही जो आप सुन रही हैं बुआ जी, मेरे बाबूजी ने सब कुछ जानने के बावजूद इस घर से सारी बातें छिपाई, मैंने भी छिपाई, इसलिए हम दोनों को गुनेगार बना दिया गया। और हम लोगों ने ऐसा क्यों किया, ये बात ना कोई सुनने के लिए तैयार है और ना समझने के लिए तैयार है। क्या कौन कह रहा है ये सब,
और कौन समझ रहा है तुझे गुनेगार? सारे इस घर का हर इंसान सोचता है कि हम लोग गुनेगार, और सबसे ज्यादा रणवीर। एक बेटा हमें कसम देकर हमारा मुंह बंद कर देता है, और दूसरा इस बात से खफा है कि हमने मुंह क्यों नहीं खोला। अब आप ही बताइए बुआ जी, हम लोग क्या करें? हम तो दोनों ही सूरतों में गुनेगार हो गए ना। मुंह खोलें तो उस बेटे के गुनेगार, ना खोलें तो इस बेटे के गुनेगार। क्या इस बात के लिए रणबीर और घरवाले बलदेव वीर जी को गुनेगार ठहरा रहे? जिस इंसान के चरण धोकर पिएंगे भी ना, तो भी उनका एहसान नहीं चुका पाएंगे वो लोग। आजकल के जमाने में कौन किसके लिए ऐसा करता है, और वो उन्हें गुनेगार ठहरा रहे? तू चिंता मत कर, मैं उन्हें समझाऊंगी, मैं बात करती हूँ उनसे। नहीं बुआ जी, प्लीज आप इन लोगों से कोई बात नहीं करेंगे, नहीं तो इन्हें लगेगा कि मैंने ही आपको भड़काया और मैं अपने गुनाह पर पर्दा डालना चाहती। कोई ऐसा सोचता भी है ना तो सोचने दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उन्हें गलत फहमियां पालनी है तो पाले, लेकिन मैं उन्हें सच्चाई का आईना जरूर दिखाऊंगी। बुआ जी लेकिन क्या फायदा, उन्हें वैसे भी इस वक्त अपना सिर्फ भाई दिख रहा। माता रानी करे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, कम से कम हमारी लाश तो बची रहेगी। तुम चिंता मत करो सिमरन, रणबीर अक्कू पम्मी परजाई जी इनके बारे में तुम्हें नहीं जानती, लेकिन वीर जी और परजाई जी बलदेव वीर जी को कभी गलत नहीं लेंगे। रही इन तीनों की बात, तो मैं चुप बैठकर तमाशा देखने वालों में से नहीं। वीर जी ने मुझे यही सिखाया है सिमरन कि सच्चाई के लिए बड़ों से भी लड़ना पड़े तो लड़ो, लेकिन सच्चाई का साथ कभी मत छोड़ना। तो इन तीनों को सच्चाई सुननी भी पड़ेगी, समझनी भी पड़ेगी। Just don't worry. जी आओ जी, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या कहा डॉक्टर ने? ईशान भैया तो ठीक है ना? तो फिर आप दोनों उदास क्यों हैं? क्या कहा डॉक्टर ने, कोई घबराने की बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है पुत्र, वो अस्पताल का माहौल इतना बोझिल होता है ना कि दिल भर आया। भाऊजी आपको झूठ बोलना भी नहीं आता, हमेशा पकड़े जाते हो। सच सच बताइए, क्या कहा डॉक्टर ने? ईशान भैया ठीक तो है ना? रणबीर पुत्र, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बेवजह घबरा रहे हो। ईशान बिल्कुल ठीक है, और डॉक्टर ने कहा है कि बस एक दो दिन में ऑपरेशन हो जाएगा। तो फिर बाबूजी के चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? आप दोनों तो इतने हिम्मत वाले हो, और उस पर एक दूसरे के साथ भी हैं अभी, तो ऐसे में तो आप दोनों की हिम्मत चार गुना होनी चाहिए बाबूजी, और मैं देख रहा हूं कि आप दोनों उदास हैं। बाबूजी क्या कोई ऐसी बात भी है जो मुझसे छिपाई जानी चाहिए? अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं नहीं पूछता।
नहीं नहीं पुत्र, तू तो मेरा वो बेटा है जो हमेशा मेरे साथ खड़ा हुआ है, तुझसे क्या छुपा है? दरअसल पुत्र, अभी अभी डॉक्टर श्रीकांत ने एक ऐसी खबर दी कि दिल भर आया। वो बाद में बलदेव से कर ही रहा था कि तू आ गया। ऐसा क्या कहा डॉक्टर ने? दरअसल वीरू का सैंपल ईशान से मैच कर गया। अरे तुम, ये तो अच्छी बात है ना बाबूजी। उत्तर, इस अच्छी खबर के पीछे एक बुरी खबर भी है। वीरू का लिवर मैच होने के बावजूद भी ये उसे लिवर नहीं दे सकते। मैं कुछ समझा नहीं बाबूजी। वो कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, कमजोर, और मुझे हार्ट की भी प्रॉब्लम। अब तू ही बताओ, क्या मैं बूढ़ा लगता हूं तुझे, बीमार लगता हूं? बाबूजी, आपको हार्ट की प्रॉब्लम तो है ही ना, शायद इसलिए उन्होंने मना कर दिया होगा, जो कि एक तरह से सही भी है। तो अब तू भी डॉक्टरों के सुर में सुर मिलाने लगा। आओजी, इसमें ना तो सुर में सुर मिलाने वाली कोई बात है और ना ही उदास होने वाली। अब अगर आपका लीवर नहीं लिया जा सकता तो ना सही। और सही बताऊं तो मैं वैसे भी नहीं चाहता था कि आप डोनर बने। अभी मेरे और अक्कू की रिपोर्ट आनी बाकी है, एंड आई एम श्योर कि हम में से किसी ना किसी का सैंपल जरूर मैच हो जाए। आपको याद नहीं डॉक्टर साहब ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि भाई बहनों का सैंपल मैच होने की सबसे ज्यादा संभावना होती है, और आप देखिएगा मेरा ही सैंपल मैच होगा। वाहेगुरु करे पुत्र, तेरी ये बात सच हो जाए। होनी है बाबूजी। तो फिर किसको तकलीफ है इस बात? और अगर है भी तो उनसे या सिमरन से एक बार सच भी तो जान लो ना। लाली, मैं तुमसे फिर कह रही हूँ, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। अरे, ये माँ तो उनकी कर्जदार है जो जिंदगी में कभी उनका कर्जा नहीं उतार पाएगी। उन्होंने मेरे बेटे के लिए इतना कुछ किया। अरे, अगर उन्होंने कोई गुनाह भी किया है ना, तो भी मैं उनसे कोई शिकवा नहीं रखूंगी।